सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम नीला सलाम। साथियों, मैं आज आप लोगों से बात करने आ रहा हूँ आजमगढ़ महुलिया में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा को तोड़ा गया, और किसके सामने और किसकी नाक के नीचे, प्रशासन के नाक के नीचे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान किया गया आजमगढ़ महुलिया में। आपको बताना चाहता हूँ कि जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जब हम लोगों के बीच में थे ना, तो पता नहीं इन लोगों को क्या हो गया था, इससे कई गुना ज़्यादा डरते थे ये लोग। और आज बाबा साहब नहीं हैं, उनकी मूरत से इतना ज़्यादा इनको डर लग रहा है। और जब मूरत को जिन लोगों ने तोड़ा और तोड़ने के बाद वो लोग गए, हमारे समाज के लोग, हमारे बहुजन समाज के लोग उसके घर पे जब पहुँचे उसको बोलने के लिए आपने क्यों तोड़ा मूरत को, तो उसने क्या कहा कि जय श्री राम तलवार निकाल। ये माहौल आजमगढ़ में है और यहाँ पे चार लोग आए थे, बताते हैं कि यहाँ बाबा साहब की मूर्ति तोड़ दिए, देख सकते हैं आप नीचे से भी तोड़े हैं और इधर हाथ भी तोड़ दिए हैं। आप देख सकते हैं किस तरीका बाबा साहब की मूर्ति तोड़ दिए हैं। ये कब की घटना भैया? हाँ, घटना देखने हैं, घटना का निस्तारण करने के लिए आए हैं आप, ये बताइए। आप बताएंगे कब की घटना की जानकारी दो? सुबह 7:30 बजे की है। सुबह 7:30 बजे कितने लोग तोड़े हैं? एक आदमी तोड़ा है, ठीक। वो भी चौकी के सामने, और वो भी प्रशासन पुलिस चौकी के सामने तोड़ के गया है। और जब हम उसके घर पे गए हैं तो वो कह रहा तलवारियां निकाल जाए श्री राम। देखिए, आप देख सकते हैं ये लोग मूर्ति तोड़ने के बाद जय श्री राम तलवार निकाल। तो उनसे मैं कहना चाहूंगा कि बेटा, अगर जिस दिन मिल गए ना, जिस हाथ से तोड़े हो ना, उसी हाथ को तोड़ूंगा। फिर दोबारा कभी ना बाबा साहब की तो बात छोड़ दो, किसी की भी प्रतिमा को ना हाथ लगाने की कोशिश भी नहीं करोगे, नज़र उठा के देखने की भी कोशिश नहीं करोगे। और ये गलत है, प्रशासन के सामने अगर कोई चीज़ होता है इस तरीके की, अगर घटना होती है, तो प्रशासन भी इस बात को मान लीजिएगा कि प्रशासन भी मिली हुई है। लेकिन मैं प्रशासन को भी एक खुला साइलेंस देता हूँ कि प्रशासन, आप ये भी सुन लो आप लोग कि सरकार जो है ना, ये आती जाती रहती है, हर वक्त आती जाती रहती है, 5 साल के बाद ना हर वक्त आती जाती रहती है। जिनकी प्रतिमा तोड़ी गई ना, उनकी देन है कि आज तुम लोग नौकरियां कर रहे हो। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जिसने अपमान किया और जिसने तोड़ा, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। ये मैं सरकार से मांग करता हूँ, माननीय योगी आदित्यनाथ जी इस बात को सुन लीजिएगा। और आजमगढ़ के जितने भी मेरे भाई हैं और जितने भी मेरे बहुजन समाज के भाई हैं, मैं सारे लोगों से कहना चाहूँगा, तो आप सारे लोग ये मांग करो उस फांसी उसको, जिसने भी, जिस दरिंदे ने, जिस हिजड़े की औलाद ने इस तरीके से काम किया है, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। और एक बात ये भी सुन लेना कि पहले के हम वो चमार नहीं रह गए जो हम जुल्म सहते थे, आज हम ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। और अपने जीते जी कभी भी हम जुल्म नहीं सहेंगे। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो तूने ना प्रतिमा तोड़ने का काम किया ना, और जो बोला जय श्री राम निकाल तलवार, तो तलवार चलाना हम भी जानते हैं, लेकिन हम क्या है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान का पालन करते हैं। बाबा साहब ने अगर हमें कलम चलाने की ताकत दिया है ना, तो हमें तलवार भी चलाने की ताकत दी है। हम लोग ऐसा करते नहीं, क्योंकि हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बच्चे हैं। तो मैं साथियों आप लोगों से बस ये बात करने के लिए आया था कि उस दरिंदे को और उस हिजड़े की औलाद के लिए आप लोग, अगर ना आप लोगों को इंसाफ मिले तो एक बार दोबारा भारत बंद होना चाहिए, लेकिन इंसाफ मिलना चाहिए हम लोगों को। बाबा साहब का अपमान हम लोग नहीं सहेंगे तो नहीं सहेंगे, क्योंकि बाबा साहब की देन है आज हम लोग इस बीच में हैं, इतने अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं। और ये नीली रंग की जो ये क्रांति देख रहे हो ना, ये नीली रंग की ये क्रांति आके रहेगी। तुम्हें जितना जोर लगाना उतना जोर लगा लो, तुम्हें जितनी मूरत तोड़नी ना तोड़ लो। अब तुम लोग जब मूरत तोड़ने का काम करोगे, और जो तोड़ेगा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो तोड़ेगा ना उसके हाथ पैर तोड़ा जाएगा। अब इस बात को याद रखना, मैं प्रशासन से इस बात के लिए मैं मांग करता हूँ कि इसको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। वो आजमगढ़ का रहने वाला है जो भी हो, और पुलिस चौकी के सीधे सामने प्रशासन के नाक के नीचे ऐसा काम किया गया है। अगर मान लीजिए गाँव में होता, किसी गली में होता, तो इस बात को माना जाता, लेकिन प्रशासन के सीधे सामने उसके नाक के नीचे इस तरीके से घटना हुई है, तो ये गलत है। उसको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए तो मिलनी चाहिए। मेरे बहुजन समाज के लोग वहाँ पर चक्का जाम किए हैं, वहाँ पर जाम लगाकर बैठे हैं। उन लोगों की मांग है कि यहाँ पे प्रतिमा लगनी चाहिए और उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। तो मैं देश की सरकार से मैं पूछ के
कहना चाहूंगा कि इसको फांसी की सजा और वहां पे नवी प्रतिमा लगनी चाहिए तो लगनी चाहिए, इस बात को याद रखिएगा। और अब इस बात को एक बात और सुन लेना कान खोल के, हम पहले के वो चमार नहीं रह गए जो जुल्म सहते थे, हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बेटे हैं, ये मारना भी जानते हैं, मार खाना भी जानते हैं, तो मारना भी जानते हैं। और जिस दिन हम लोग बिगड़ गए ना, उस दिन सैकड़ों को ले डूबूंगा, जिसको जो करना होगा कर लेगा, फांसी और जेल से हम नहीं डरते। तो ये मैं कहने के लिए आया था कि जिला आजमगढ़ में इस तरीके से घटना हुई है। तो मैं मनीष कुमार डेंजरस चमार, इस मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें, और उस कुत्ते को फांसी की सजा होनी चाहिए। क्रांतिकारी जय भीम, और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब।